हल्का शाहबाद से विधायक रामकरण काला धन्यवादी दौरे के दौरान गांव रामनगर में पहुंचे, जहां पर सभी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया स्वागत। विधायक रामकरण काला ने कहा कि मकानों के ऊपर से बिजली की जो तारें जा रही हैं वह सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। सभी प्राइवेट फैक्ट्रियों व डीसी रेट की नौकरियों पर युवाओं को नौकरी देने की बात वह डीसी से करेंगे, ताकि युवाओं को रोज़गार के अवसर मिल सके। पानी की समस्या को लेकर कहा कि जोहड़ों की बाउंड्री कराई जाएगी। विधायक ने कहा कि स्कूलों और अस्पतालों में स्टाफ की कमी के चलते इस बात को सीएम और डिप्टी सीएम के समक्ष रखेंगे, ताकि नए स्टाफ की भर्ती की जा सके और युवाओं को रोज़गार के अवसर मिले। गांव के डेरों की सड़कों कि जैसे ही ग्रांट सरकार देगी इन सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इस समस्या को भी लेकर वह सीएम और डिप्टी सीएम से बात करेंगे। जनमंच की आज़ादी न्यूज़ के लिए शाहबाद से सुभाष चंद की रिपोर्ट। दौरे बोलिए आज गाँव का धन्यवाद चले 36 व्याधि बैठी हम तो एक धन्यवाद करना है जिन्होंने हमारे लिए प्रयास करा। बुजुर्ग नौजवान साथियों ना वोट पाने का काम करा, वोट डलवाने का काम करा। हमारा तो उनका मान सम्मान करना है, अनेक की समस्या सुननी है। गाँव में समस्या बहुत है, एक तो मकान के ऊपर ना बिजली की तारें जा रही, उनकी बड़ी तगड़ी समस्या बहुत है उससे। दूसरा युवा को रोजगार जो मिलना चाहिए डीसी रेट का, और डीसी खाते में डीसी को मिलना चाहिए। हल्के बैच जितने भी आवा हल्के बैच उतने मिलने चाहिए, ताकि हम ठेकेदार के माध्यम से हम डीसी के माध्यम से मिलकर जितने भी हमारे यहाँ से छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ कुछ भी यहाँ या सरकारी है, हम डीसी से मिलकर उनको युवा साथियों को लगवा सका। युवा आज ठंडे में सफाइयों की भर्ती, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर बड़ी कमी है। ये भी सरकार से सीएम साहब से डिप्टी सीएम से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती करके उनको युवा को रोजगार मिला, और ताकि हल्के की जो समस्या दूर हो। आज छोटे छोटे जो आज गाँव में जो समस्या पानी की, आज पैसा बड़ा बरस तो रहा गवर्नमेंट का भी अपना भी। हम ये कहते हैं जितना भी जोहड़ बच रहा गाँव के अंदर, किसी गाँव में जितना बच रहा, किसी ने दाब रखे कुछ भी है उसको छोड़ का जितना बच रहा उसकी बाउंड्री कराओ, उसको 5-7-10 फुट दूंगा खुद उसकी पेरिंग रेल करवा दो उसमें, ताकि कोई बच्चा नहीं बढ़ सका। उसकी जाड़ी लगती है, मैंने देखा कई गाँव में वो मतलब बन गया तो गांव की जो सड़कें टूट रही गलियां पानी बार बार गलियां पहल कर रही गलियां सड़कें टूट रही बड़ी बड़ी, उनमें बड़ा नुकसान हो रहा। उससे डबल तो नुकसान हमारा गलियां सड़कों में हो रहा जो हमारा टूट रही। एक जोहड़ को कहते हैं अभी मशीन नहीं लगानी, वहाँ रेखा के कहा मजदूर खोद देंगे, वो तो उसको खोद देने 10 साल तक भी खोद सकते। जोहड़ तो एक मतलब थोड़े दिन की माना छूट मिला, 2-4 महीने के जोहड़ सूखने की, अब आपका परसा में सुखा का उस टाइम हम मशीन लगा नहीं सकते, मजदूर खोद नहीं सकते, चाहे जितने मर्जी उससे डबल खर्चा पड़ जाता है। ठीक है मजदूर को भी दें उनको भी देंगे हम, मतलब जो हमारा मजदूर को जो स्कीम चली उनको भी दे, उनको बहुत जगह पड़ी, उसकी पटली बनाओ जी, उसकी पटली जो मशीन काटे उसकी पटली बनाओ, उसके रोजगार उसने मिलेगा और भी कई काम उसको मिलेंगे। सर तकरीबन सभी गाँव में डेरों में समस्या है सड़क की, मैंने भी बस समस्या की तो जो हमारे बनने के लायक जो आपका सरकार बनाओगे ग्रांट दे रहे हो तो हम बनावाएंगे, जो बनी टूट रही ना बार बार हम उसके लिए समस्या करें। अभी जोहड़ की जो ओवरफ्लो हो रहे छोटे छोटे या पानी ज़्यादा है ओवरफ्लो हो रहा, तो ये जरूर मतलब हर गांव की समस्या है। जोहड़ की मशीन से खुदाई करे जा, जो नरेगा के जो मजदूर आ उनको कहीं बाहर पटली बनावाएंगे, पेडे लगाओ बहुत पेडे लगाओगे बड़ी यार, मतलब और भी बहुत काम आ जो दूसरे करने के उनको भी नौकरी पर, बाकी मतलब ऐसे आप आप हम उसको खोद देंगे 2 महीने का हमारे को मिला टाइम, उसको हम खोद नहीं सकते, बहुत समस्या है। तो ये समस्या हम सरकार से आग्रह करेंगे, सीएम साहब से डिप्टी सीएम साहब से सारी समस्या दूर होंगी। कुछ समस्या ऐसी तो कुछ टाइम लगेगा, अभी हमारा तो ये दिन हम घर बैठना दूसरे डर, हम तो पब्लिक में रहना पब्लिक के साथ रहेंगे, पहले आप ना हमारे तो बहुत कुछ, हम तो पब्लिक के बीच में रहेंगे।
जनता ने जिन्होंने बनाया, जिन्होंने कुल हमारे को वोट दी, हम उनके बीच में उनके काम कराएंगे। सीएम साहब से डिप्टी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, डिमांडा पूरी करेंगे। आपने मेरे को पूछा, आपका धन्यवाद।